अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट जो आपके पास है वो एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 1 है, अगर आप अपने बुक में देखें तो मैंने जो ऑप्शन लिखे हैं वो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन मेंशन किए हैं मैंने, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो मैंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ ओनली मैंने करेक्ट ऑप्शन को मेंशन किया है, तो आप अपने बुक में देखें उसके साथ टैली करें और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक लगाएं। सो नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंपेराइज आप एलिमेंट, यानी जो नीचे दिए गए हैं चार ऑप्शन उसमें एक ऐसा ग्रुप भी है जो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो वो ऑप्शन बी है। इसमें आयोडीन 10 और आयरन जो है वो एलिमेंट्स है। सेकंड वन है, विच आर द फॉलोइंग ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं एमसीक्यू नंबर सेकंड में। आप देखें तो उसमें अमोनिया, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन फिलिंग। उसमें अमोनिया जो है हम या NH3 जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ थर्ड वन है, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 या नाइट्रिक एसिड जो है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 63, दिस इज ऑप्शन सी। इसके साथ फोर्थ है, व्हिच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड, तो आपको दिया गया है चार ऑप्शन है आपको दिए गए हैं। नंबर ए है H2O, सेकंड वन N2, सी नंबर है NOR, जो डी नंबर है वो NO2। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है वो कंपाउंड नहीं है, तो N2 जो है यहाँ पर कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट को जाहिर करता है। इसके साथ फिफ्थ वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 moles ऑफ वाटर, यानी नीचे कुछ वैल्यूज दी गई है और उस वैल्यूज में एक ऐसा भी है जो वाटर के 2 mole के बराबर है। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो इससे 1.204 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, ये है अगर आपने पहले देखा होगा मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय NA, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एन। अब क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है, तो आपके पास 2 moles है और ये भी वैल्यू मालूम है NH, तो किस तरह करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एन। तो यहां पर आपके पास कितने मोल है, 2 moles, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस द पावर 23, तो उससे आएगा 12.04 हाफ इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस द पावर 23। अगर आप पॉइंट को आप यहाँ पर ले आए तो ये बनेगा 1.204 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 24 मॉलिक्यूल, तो ये आंसर है। सो दिस इज एमसीक्यू नंबर 5th। एमसीक्यू नंबर 5th में जो वैल्यू है वो 1.204 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 24 मॉलिक्यूल के बराबर है, यानी ये वाला वैल्यू ये 2 mole वाटर के बराबर है। अब एमसीक्यू नंबर 6 में है, अ कंपाउंड कंटेन, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चार मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। अ कंपाउंड कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, बी नंबर है द सेम काइंड ऑफ एटम मिक्स टुगेदर, और सी नंबर है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इसी तरह डी नंबर है द सेम काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। उसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, अ कंपाउंड।
इस तरह इंस्टीट्यूशन नंबर 7 में आप देखिए व्हिच आर व्हिच वन आर द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसमें कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, CH4, NH3 ये दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, यानी तीन एटम है, इसी वजह से उसको ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसी तरह नंबर 8 है हाइड्रोजन गैस इज, सो यहां पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। नंबर ए ऑप्शन है अमोनो एटॉमिक गैस, बी नंबर है अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सी नंबर अ डायटॉमिक गैस विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू एटम्स, और डी नंबर है अ डायटॉमिक मेड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस जो है वो डायटॉमिक गैस है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। डायटॉमिक गैस में ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू एटम्स, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैंने दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है वो दो हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, इसी वजह से ये डायटॉमिक गैस है। नाइन नंबर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए भी है आपको इंस्टीट्यूट नंबर 9 में आप देखिए, तो यहाँ पर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल, यानी वो कंपाउंड बताइए जिसकी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नंबर ए बेंजीन, सेकंड वन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, थर्ड वन वाटर, और फोर्थ वन जो है डी नंबर ग्लूकोज है। तो सी नंबर वाटर जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंपाउंड है जिसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों बिल्कुल सेम है। इसी तरह 10 नंबर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गई है आपकी बुक में, नंबर ए स्मोक, बी नंबर एयर, सी नंबर फोग, और डी नंबर जो है स्मोक। सो एयर जो है ऑप्शन बी जो है एयर एज द होमोजीनियस मिक्सचर, यानी क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मुख्तलिफ गैसेस शामिल हैं, इसी वजह से ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा। क्वेश्चन आप खुद देखिए, जो बुक में जो क्वेश्चन दिए गया है वो आप खुद देखिए, मैं सिर्फ नंबर जो है उसके साथ शुरू करूँगा आंसर के साथ। सो आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे। थैंक यू।